हमारे पास जबरदस्त बल्लेबाज हैं जैसे कि इमरान नफीस, ये दो हार्ड हिटर बल्लेबाज हैं जिनके दम पर स्कोर 100+ भी होगा तो हम चेस कर सकते हैं। मैंने कहा कैप्टन कौन है? मैंने कहा कि कैप्टन इस समय प्लेइंग 11 से आउट कर दिया गया है उनको, चूंकि वो अनफिट चल रहे हैं। अभी कौन है? ये है अकरम भाई। क्या कहेंगे, बात कराइए इनसे एक बार। बात कर रही है, कौन टॉस जीता है? टॉस मैं जीता हूँ। क्या करना चाहेंगे? पहले बल्लेबाजी करेंगे। कितना रन बनाना चाहेंगे आप पहले बल्लेबाजी? 8 ओवर में 80 रन कम से कम। 8 ओवर में 80 रन। और वो हमारे रियासत भाई खान ब्रदर्स के कैप्टन, आप क्या कहना चाहेंगे? आप पहले फील्डिंग करने जा रहे हैं? जी हाँ, हम टॉस हार चुके हैं और पहले फील्डिंग करेंगे। तो कितने रन तक रोकना चाहेंगे उनको? हम आराम से इनको 70 के अंदर ही रोकना चाहेंगे। चलिए, बहुत सारी शुभकामनाएं। आज बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार ताली बजा दीजिए सभी के लिए आप लोग। नफीस इस समय काफी आगे आगे चल रहे हैं, आत्मविश्वास बढ़ा जरूर है नफीस का। हालांकि चाह नहीं होता पाए तो काफी दुर्भाग्य। तो दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है अनिल ओझा शो में। और यहां पर खान ब्रदर्स और मैनहा के बीच में दूसरा मैच हो रहा है, खेलने जाने वाली है। मैनहा ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है और पहली गेंद फेंकने को तैयार। अपने आप को दोनों टीमें अपना एक एक लीग मैच जीत के ये नॉकआउट मैच खेलने जा रही है। पहली गेंद और बोल्ड, पहली गेंद पर बोल्ड। मैनहा का पहला ओपनर पहली ही गेंद पे बोल्ड हो गया। खुशियां मनाते हुए मानस ने पहली ही गेंद पर बनाएंगे वो, और लगभग इरफान। चलिए, इरफान आए हैं आगे की बल्लेबाजी को क्रिएट करने के लिए। मानस भर अरे यार, पहली दो गेंदों पर दो विकेट, दो और दोनों बोल्ड, ऐसा कारनामा तो मैंने बहुत कम देखा है। और यहाँ खान ब्रदर्स के बॉलर ऐसा कर रहे हैं। जो छोटे कद का खिलाड़ी है, कैप्टन है मैनहा टीम का, उसके ऊपर बड़ा इनाम यहाँ पर नफीस की तरफ से लगाया गया है। जितने भी वो छक्का लगाता है वहाँ पर लगी है मैनहा की टीम से। तरफ से कुछ इनाम आए हैं छक्के मारने पे। इस बच्चा अगर 6 रन मारता है तो कितना, हर 6 पे 51 रुपए। लेकिन मेरी तरफ से भी एक छोटा सा पुरस्कार इस बच्चे के लिए, क्योंकि काबिलियत देखते हुए अगर ये चौका मारता है तो मैं हर चौके पे 21 रुपए लूंगा। नाश्ता लेके आए हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ उठा के मारा है, निश्चित तौर पर ये 4 रन नहीं, ये फील्ड की गई थोड़ा सा स्ट्रोक में स्कोर हुआ है मैनहा का। मानस अगली गेंद के साथ और बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही बेहतरीन साथ, और ये निश्चित तौर पर 4 रन होना चाहिए तो आप ये पहले पुरस्कार के हकदार हो गए हैं। आपको मैच खत्म होगा, आप कमेंट्री बॉक्स में आके अपना पुरस्कार ले जाना है। 10 रन, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज, लेकिन शायद बहुत मुश्किल होता है आउट देना अंपायर का। अंग्रेज के साथ बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद को कट करने की कोशिश की गई बॉल के लिए। कचाई आउट, ये बल्लेबाज आउट हो गया। छोटा सा बल्लेबाज कैच आउट होके जाता हुआ। और बहुत ही अच्छी गेंद खत्म होने के बाद और बेहतरीन, और इसी के साथ थोड़ा सा तैयार, कैमरा मैन तैयार, अंपायर को क्रॉस किया और अच्छी गेंद उसको उठा के वहीं पे वो टो पे टकराएगी गेंद। और इसी के साथ बहुत ही बेहतरीन गेंद थी और सही तरीके से ये भी एक डबल माइंड का स्ट्रोक खेला गया। हालांकि मैनहा का स्कोर 18 रन 3 विकेट के नुकसान, 3 बोल्ड तो जो अभी तक 4 विकेट गिरे हैं उसमें से 6 प्लेयर होते हैं। अरे यार, इस बार शॉट अच्छा ही वहां पर, फील्डर के अच्छे समय पर तो भी किया था लेकिन वहां पर कलेक्ट नहीं कर पाए। दोषण 5 ओवर का विकेट, वही 3 विकेट ले चुका है अभी तक।
और इसी के साथ उसको सीधा लेग साइड की तरफ ग्लांस किया है, उसके पीछे फील्डर भाग रहे हैं, एकदम ब्लॉक कर देती है। बहुत ही अच्छा बॉलिंग, बहुत ही अच्छा बॉलिंग मानस के द्वारा। जिनके पास वो कुवैती के ऊपर शॉट खेल सकते थे, फिलहाल मानस अगली गेंद के साथ और इस गेंद को खेला है। गेंद लॉब ऑफ पर आई है, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, उन्होंने गेंद खोल ही नहीं सकता है। और गेंद चिपा पड़ने के बाद थोड़ी सी नीचे की, जितना अच्छी यहाँ पर क्लीन मोल्ड किया है, 11 रुपए खाते में आते हुए। अफसर अली सेफ्टी इंजीनियरिंग की तरफ से छुर लगाया गया है। हालांकि इस समय बहुत वादा किया है तो करना पड़ेगा, सिर्फ लाए या नहीं लाए, बिल्कुल बिल्कुल करना ही चाहिए। बहुत से अच्छी गेंदबाजी करते हुए बता रहे हैं, राउंड में इस गेंद को खेलने की कोशिश जरूर, लेकिन शरीर से सिर्फ ओवर का मैच है, यहाँ पर कुछ पनिशमेंट भी मिल सकता है, और यहाँ पर लेकिन वो पनिशमेंट हट चुका है, चूंकि उन्होंने 6 विकेट के नुकसान पर निश्चित तौर से यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त तरीके से शिकंजा। बल्लेबाज थोड़ा सा इनको कॉन्फिडेंस, जिस हिसाब से इनका होना चाहिए, जिस हिसाब से पहला मैच खेले थे, उस हिसाब से प्रदर्शन बहुत ही बेहतर स्टोर, बहुत ही बेहतर स्टोर, जिस परिस्थिति में इनके द्वारा खेला गया बहुत ही बेहतर स्टोर कहा जाएगा मैं नहा की तरफ से। तो उस 11 रुपए के हकदार हुए हैं, सारे मैचेस अभी तक नफीस ही लगाए हैं। बहुत बेहतर शॉट, बहुत ही अच्छा शॉट, और जो कुछ ही किया एक रन बैट्समैनों में, वैसे भी जो बच्चे भी हैं, हर किसी ने इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए सहयोग किया है। और ये वहाँ पे सही कह रहे हैं, लेकिन बल्ला लगातार खांच रहा है बल्लेबाज। एक गेंद के लिए बाउंड्री लाइन के इर्द गिर्द, क्या वहां पर फील्ड हुई है? 2 रन मिलेंगे, 4 रन मिलेंगे, डिसीजन अभी पेंडिंग। जी बिल्कुल सही, और इस बार अच्छा शॉट, शाहनवाज के लिए कोई मौका नहीं, गेंद बंद कराती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर। तो सागर यहाँ से हाथ दिखाते हुए, बिल्कुल बिल्कुल सही है, तो उस तरह से ये प्रदर्शन दोहरा देते हैं तो शायद इसी ओवर में ऑल आउट हो जाएगी मैनाज टीम। लेकिन इस तरह से मैनाह के बल्लेबाज भी सोचेंगे कि नहीं, ये रियासत है जो आंध्र प्रदेश के कैप्टन है, और ये पिछले मैच में हैट्रिक मारे थे, तो इस ओवर को थोड़ा सा हम निकालेंगे, थोड़ा सा देख के खेलेंगे, और कारनामा उठा के मारा है। पहली गेंद पे रियासत भाई टोटल में, जिससे कि हमारे गेंदबाज को स्तंभ के बाहर, निश्चित तौर से वाइड बॉल होगी, जी हाँ काफी बाहर। इंडियन इंटरप्राइजेस हार्डवेयर सेक्रेटरी जिसके मालिक है शाहरुख, जो कि स्टार प्लेयर। तो मैं आपको बता दूं इस ग्राउंड पर रियासत भाई अच्छी किफायती गेंदबाजी करते हुए, और जो बेहतरीन क्रिकेट देखने को मिलेगा इस मैच के बाद, और हालांकि ये भी एक बहुत ही बेहतर धीमी गेंदबाजी करके फंसा रहे हैं रियासत भाई, शुरू किया जा सके रियासत, और बहुत अच्छी गेंद, और वहाँ पे, और फिर शहनवाज के माध्यम से गेंद को फील्ड की गई, 3 विकेट बचा के खेलते हैं तो उनके लिए अच्छा होगा। दोनों टीमों के नजरिए से एक अहम मुकाबला, और वहाँ पे अपील थोड़ा सा आ निकली थी, किफायती ओवर खत्म हुआ, यानी कि 50 रन अभी तक नहीं बन पाए हैं। उन्होंने कहा था कि हम 80+ का स्कोर जरूर चाहेंगे, बिल्कुल सही है, और इस गेंद के साथ उछाला था की कोशिश, लेकिन कामयाब नहीं हुए। अगली गेंद के साथ राइट ओवर द विकेट, इसमें वो संघर्ष जरूर करेंगे, और ये गेंद और बहुत अच्छी गेंद नहीं कही जा सकती थी, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी यहाँ पर मैन हाके की, बिल्कुल और इसी के साथ उसको उठा के गेंद दन दनाते हुए बाउंड्री लाइन के बाहर, किसी भी खिलाड़ी के लिए कोई मौका नहीं, हालांकि चेस करने की कोशिश जरूर की गई थी लॉब ऑफ के खड़े खिलाड़ी के द्वारा, लेकिन गेंद की वजह से फाइटिंग टोटल हो सकता है, और इस गेंद को खेलने की कोशिश, गेंद बल्ले का भारी किनारा लेती हुई, 101 रुपए यहाँ पर इनाम लगाया गया है। हाफिज जब्बा झुकी गोई के कोटेदार की तरफ से, डायर से ओवर द विकेट, और इस गेंद को जोरदार तरीके से प्रहार करने की कोशिश, लेकिन गेंद गई है डिक्लेयर जीत की ओर।
यहाँ पे क्रिकेट खेला है एक बेहतरीन साहब क्रम के लिए कोई मौका नहीं। हालांकि वहां पर ये क्रम उस गेंद को कैच कर सकते थे लेकिन उन्होंने अपने घुटने को वहां पर टेका, शायद वो चाह रहे थे कि पैसे। तो यहाँ पर चौका मारे हैं, इस चौके से कुछ स्कोर जबरदस्ती में है। मैं आपको इस गेंद के बाद बताऊंगा फिलहाल इस गेंद को छोड़ कर खेला है। हालांकि खिलाड़ी यहाँ कोई मौका नहीं इसी को देख लेते हैं गोली को मारने बाउंड्री लाइन के बाहर से सुंदर खबर लेते हुए इस समय कैप्टन रियासत की खेलबाजी का हम आप बात कर रहे हैं। कल मैच होगा, सेवैया आएगी खेलने के लिए, एक अच्छी टीम है फ्रेंड्स क्लब रानी गंज होगी, खेमईपुर चकसारा जिसमें ये पर मैं आपको बता दूं चकसारा सिर्फ नाम है, वहां पर आजमगढ़ से खिलाड़ी आ रहे हैं। तो निश्चित तौर से इस गेम को छोड़कर खिलाड़ी इमरान के लिए मौका दूसरे रन के लिए पलटे हैं। रियासत ने रन आउट किया है, रन आउट की शक्ल में सागर बाहर इस समय जाते हुए तबेलीन किया रन आउट हुए हैं जिसमें कि हमने बताया था कि वो तो फिर मैं पहुंचूंगा अपने स्थान पे। बहुत बहुत शुक्रिया आई है। इस बार भी चौका आया है, खासे दी से पॉइंट किया है यहाँ पर रियासत ने अपने आप को, न केवल यहाँ पर तमाम अपने चाहने वालों को और अपनी टीम को भी लगातार यहाँ पर चौके खाए हैं। वो तीसरा चौथा चौका लग चुका है उनके इसके जहाँ पर हालांकि एक मौका क्रिएट किए थे लेकिन अगर वहां पे कैच नहीं बना पाए तो उसके बाद से लगातार वो जो चौके लगे हैं उसमें खिलाड़ियों के लिए कोई मौका भी नहीं बना। लेकिन एक चीज है आजाद भाई की बाहर का रास्ता दिखाऊंगा बिल्कुल आगे गए प्रसाद सब अंपायर को क्रॉस किया और ये थोड़ा सा नीचे रहे आप उसको सिग्नल हो चुका है यहाँ पर अंपायर का तो इनिंग का खात्मा हो रहा है। वहां का जो दृश्य दिखा रहे हैं इनसे मेरे तीन दिन के सवाल भी पूछते रहते हैं। यहाँ पे ग्राउंड के आस पास में जो बैनर लगे होर्डिंग लगे हैं वहां पे गेट हमारे पीछे जो टुंडू ढाबा है यहाँ बगल में बाई तरफ इंडियन और उस गेट को तो दोस्तों स्वागत है आपका। तीसरा ओवर चल रहा है और यहां पर 12 रन बना लिए है खान ब्रदर्स की टीम। हालांकि 72 रन के टारगेट को पूरा 10 ओवर में करना है और जिस हिसाब से रन गति चल रही है उस हिसाब से थोड़ा पीछे के बाद टूर्नामेंट 1 तारीख को होगा। बल्लेबाजों में बहुत बड़ा हाथ रहा है उनका, इस गेंद को हल्के से कैच किया लेकिन दो रन आता हुआ हालांकि वहां से ओवर का तो यहाँ पर पहला विकेट गिरता हुआ खान ब्रदर्स का। तो तीसरे ओवर का खेल अभी चल रहा है, तेजू भाई ओवर हो चुका है, ओवर हो चुका है। चलिए तीन ओवर की समाप्ति के पश्चात स्कोर कितना बनी साजिद भाई? 16 आए हैं। अक्रम गेंदबाजी का सामना करेंगे, फील्ड में थोड़ा सा परिवर्तन जबकि फील्ड अब चित्राई जा सकती है जो कि पावर प्ले खत्म हो चुका है। 5 खिलाड़ियों को 30 गज सर भी अपना खाता चेप ढीली की है, हर चौके पर हर छक्के पर 21 रुपए का इनाम। इस बार हल्के हाथों से खेला जब तक कि लॉन्ग ऑफ पर कलई खान को 10 के ऊपर चीजें 30 बार रोशन ने उसे हल्के हाथों से खेला पालित हुए उनकी गेंद इस बार और करारा कहा रोशन का बोल के सर के ऊपर से पहला छक्का आता हुआ इस इनिंग का। दूसरी मैं बात कर रहा था कि बीच बीच में आपको और यहाँ रोशन भाई ने छक्के अपना खाता खोला है, छक्के से शुरुआत की है, स्कोर 25 रन हुआ है। बाजी का ये मैं आपको बता दूं शफीक जो दर्शक विकेट के बाद गेंदबाजी कर रहे हैं क्षमता रखते हैं कि बल्लेबाजी कर लेंगे और यहाँ पर लेग बिफोर की अपील की गई मास्टर अंपायर को क्रॉस किया है और बहुत ही अच्छा शॉट सीधा फॉर क्रू की तरफ खेला गया और यहाँ पे पीछे फील्डर है गेंद को फील्ड किया एक ही रन मिलेगा। शफीक ने आपके बाद गेंदबाज अंपायर को क्रॉस किया लेके आए हैं कैप्टन मैन।
यहाँ पर बोल्ड हो गए, दूसरा विकेट गिरा, खान ब्रदर्स का दूसरा विकेट गिरा। लेकिन समझ बूझ कर बैठा, हालांकि कोई गुंजाइश नहीं, लेकिन आत्मविश्वास जरूर बना होगा रबी को, बीचों बीच बल्ले से लिया होगा उन्होंने। आमतौर इनके सागर की बात की जाए, सफेद तो बहुत ही नीची रहती है इनके गेंद बिल्कुल, काम किया है इस टूर्नामेंट को सफल बनाते, बाल करते हैं इससे ज्यादा क्लब में। जैसे भी मैनहा टीम के सपोर्टर है, आपको कोई निमंत्रण दे रहा है सामने से, आप उस निमंत्रण को स्वीकार करिए। और मैं मेरी तो बात है, मैं तो देता ही रहता हूँ, मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर आक्रम भी मुश्किल में पड़ सकते हैं आप पढ़ने वाले थे, हर चीज के लिए तैयार थे। और यहाँ रात में कुछ लोग सोते भी हैं क्योंकि यहाँ जो ये सिस्टम चल रहा है जंगल था, जहाँ सरपत था, यहाँ पर इसकी खुदाई यहाँ पर की गई, बनाया गया ग्राउंड को, अपने आप को बचा लिया यहाँ पर। जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं उनको थोड़ा सा लंबी हिट लगानी होगी, थोड़ा सा उनको आगे आके बड़े स्ट्रोक खेलना होगा, नहीं तो थोड़ा मुश्किल पैदा हो सकती है खान ब्रदर्स को, क्योंकि अब सिंगल डबल से काम चलने वाला नहीं है। और इस गेंद को खेला है अक्रम ने, गेंद के लिए पॉइंट बाउंड्री की तरफ, उसको पीछे किनारे भागे हैं, फील्ड किया, दूसरे रन के लिए पलटे हैं और यहाँ पर दूसरा रन भी पूरा होता हुआ। अक्रम भाई को दौड़ने में दिक्कत हो रही है थोड़ा। और यहाँ पर छक्का आता हुआ, छह रन सिर्फ यहाँ पर छक्का मारे, जरूरत है जिसमें छक्का मार दिया है, थोड़ी सी खलबली मची हुई है यहाँ पर टीम में नहा के ऊपर। तो इस छक्के पर 50 रुपए 38 रन बनाने थे जिसमें ये छक्का लगा हुआ है। भैया 40 बन चुका है आपका स्कोर, स्कोर 40 रन, 40 रन जा पहुंचा है आपका, इसी रन आपकी जरूरत है। बाकी बची 23 गेंदों से दाएं हाथ से ओवर द विकेट, निश्चित तौर से एक दिलचस्प मुकाबला, इस बार अच्छा शॉट है, लंबा चेस करना पड़ेगा यहाँ पर, लेकिन लॉन्ग रन का कहा खिलाड़ी ने इस गेंद को फील्ड किया यहाँ पर। तो लगता कंपनी इस छक्के से काफी खुश हुई, गेंद भी काफी आसान कर दिया है, इस बार अक्रम ने इस गेंद को खेला है, हालांकि लॉन्ग रन पर इस गेंद को फील्ड कर लिया जाएगा एक रन आता हुआ। तो यहाँ पर प्रेशर निश्चित तौर से लगातार बढ़ता रहेगा, निश्चित तौर से और फुल चार्ज होती, बिल्कुल बिल्कुल चार्ज होनी ही चाहिए, बिल्कुल कमेंट्री तो ही सारा टूर्नामेंट सारा मैच डिसाइड करता है। इस गेंद को खेला है पॉइंट की दिशा में, गेंद को फील्ड किया गया वहां पर, एक रन मिलता हुआ, पहुंच चुकी है टीम खान ब्रदर्स, उनकी निगाहें जम चुकी हैं और उनकी जिम्मेदारी भी धीरे धीरे करके ही बढ़ती चली जा रही है, कहीं ना कहीं उनको बड़े शॉट के लिए जाना ही होगा। बिल्कुल थोड़ी सी जिम्मेदारी नहीं, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उनका ये फर्ज है, उनका दायित्व बनता है कि अगर हम से ओवर द विकेट अगली गेंद और ये ऑफ सिस्टम के बाहर, निश्चित तौर से वाइड बॉल का सेंस हो या गेंदबाज हो वही इस मैच में पकड़ बनाएगा। बिल्कुल चलिए आजाद भाई, और ईशु भाई ने एक और 50 रुपया लगाया है इस इनाम पर, और बहुत ही अच्छा शॉट खेला है, हालांकि दो रन वहां पर डिक्लेयर है, 440 बोल का करंट होता है उसी तरफ से मैं आगे दर्शक और दोनों टीमों के कैप्टन आ गए हैं, आप कमेंट्री को जारी रखिए, मैं दूसरे काम को अंजाम देता हूँ, टास्क करा लेता हूँ। बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया आजाद भाई, वो भी जरूरी है, इसके बाद मैच होना है। इमरान अंपायर को क्रॉस किया और अच्छी गेंदबाजी करते थे, लेकिन उससे अगली गेंद इमरान के और बहुत ही अच्छी गेंद थी, लेकिन शॉट भी उतना अच्छा था, एक रन पूरा हुआ खान ब्रदर्स के बल्लेबाजों का और इसी एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 59। अंपायर को क्रॉस किया, बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत अच्छा शॉट, इसी चीज की खान ब्रदर्स को जरूरत है और शायद
सचिन में बता दूं कि यहाँ पर सिग्नल आता हूँ, अगर आपने जेकी खेला है तो 5 रन आपको पेनाल्टी के रूप में काटा जाएगा आपका। 12 गेंद में 12 रन की जरूरत है खान ब्रदर्स को। हालांकि मैच निश्चित तौर से सम्मानजनक स्कोर पर पहुंच चुकी है टीम। और यहां पर देखिए, जैसे कि मैं कल बता रहा था कि अगर आप दोहरा नहीं है, बहुत बढ़िया मुकाबला खेले अभी तक वो, लेकिन मैं यहाँ की भी तारीफ करनी चाहिए। के लिए क्योंकि अक्रम काफी देर से बैटिंग कर रहे थे, जम चुकी थी उनकी निगाहें, लेकिन उनके विकेट का अंततः अंत हुआ। पवेलियन की राह जाते हुए अब कहीं ना कहीं जो नया बल्लेबाज आएगा उसके आत्मविश्वास में भी थोड़ी सी कमी आएगी शफी, उसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर होगा। अगर कहीं ना कहीं 2 से 3 गेंदें वो पार खेल गया तो मैच जो है वो निश्चित तौर से और भी मुश्किल होता चला जाएगा खान ब्रदर्स। बिल्कुल सही बात है, जब कोई नया बैट्समैन आता है तो उसके ऊपर प्रेशर रिलीज होते हैं। जैसे कि आप प्रारंभिक ये लगा के वहां पे आप जाकर के दिक्कत हो जाए, और ये गेंद कर चुके हैं थोड़ी देर तो निश्चित तौर से, और ये गेंद अच्छी गेंद थी, पालो चोर ने इस गेंद को फील्ड किया है यहाँ पर बॉलर ने, तो रन की कोई संभावना है। अगर यहाँ से एक शॉट बड़ा लग जाता है तो निश्चित तौर से मैच करना चाहता है, लेकिन ये बॉल बॉल कहीं ना कहीं अब जो है होनी ही चाहिए, लेकिन दाएं हाथ से ओवर का विकेट तो बॉलर इधर की स्टंप को छोड़ती हुई, लेकिन यहाँ पर अपने बचाया जरूर वहां पर कीपर उछल आजाद भाई, लेकिन एक बाउंड्री तो निश्चित तौर पर आने ही चाहिए। यहाँ पर गार्ड बोल गई है और खत्म हो चुका है, तो ये बाकी बचे एक ओवर में इस समय 9 रन की जरूरत होगी। बिल्कुल आजाद भाई, एक 6 गेंदों में 9 रन की जरूरत होगी, लेकिन ये एक हार्ड राइट हैंड ओवर लास्ट ओवर में गेंदबाजी के मोर्चे पर लाया गया है गेंदबाज को। बड़ा शॉट खेला है, बहुत बढ़िया कैच लिया यार, ये जो है खान ब्रदर्स जीतने के बिल्कुल एक तरीके बहुत बढ़िया कैच लिया, एक की झोंक दे दी अपने जीत में, बिल्कुल पूरी तरह से ये जीत निश्चित है। लेकिन ये लोगों पर कैसा नो बॉल पे फ्री हिट प्रेशर इस समय गेंदबाज के ऊपर भी है। यहाँ से ओवर का विकेट और इस गेंद को खेला है, इस गेंद को फील्ड कर लेगा, 1 रन वहां पर और मिलता हुआ, तो फ्री हिट का यहाँ पर के पास भी कल्याण की अपील की गई है। प्रेशर होता है, एक बहुत ही रोमांचकारी मैच भी चल रहा है, और इसे और यहाँ पर कैच ड्रॉप हुआ और 2 रन बनाए। यहाँ पर जो लामान पर खड़ा खिलाड़ी कैच पकड़ा था, उसने प्रेशर के सिचुएशन में भी अपने आप को बचाते हुए कैच पकड़ा था। यहाँ पर फील्डर का प्रेशर था, कैच छोड़ा, अगर ये कैच पकड़ा जाता तो निश्चित तौर से बल्लेबाजी। और इस गेंद पर खेला है बल्लेबाज, वहां पर दूसरे के लिए पलते हैं, लेकिन यहाँ पर मुश्किल हो सकती थी, लेकिन बचाया। अब यहाँ पर लास्ट बॉल है, लास्ट बॉल पे कितना रन, 2 रन, लास्ट बॉल पे 2 रन, क्या ये लास्ट बॉल पे 2 रन यार, बहुत ही हाई बॉल होगा। बल्लेबाजों के पास क्या रणनीति देंगे, क्या गुरु मंत्र देंगे, ये देखने वाली बात होगी। तो इरशाद जो कि एक समय सीनियर खिलाड़ी है मैं यहाँ के, वो इस समय जो है डिसीजन न हो जाए, बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे लगता है कि यह पहला मैच ऐसा होगा जो इस रूम जो इस समय से थाम कर बैठे हुए हैं। निश्चित तौर इस समय इरशाद अपने खिलाड़ियों को कुछ हिदायत देते हुए और यहाँ पर तैयार होता हुआ पहला है। निश्चित तौर से इस सिचुएशन को क्या करेगा, मैच जीत ली।